हेलो गाइस, मैं सूरज आजाद आपकी नई वीडियो के साथ आए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दोस्तों जो संक्रमण होता है, संक्रमण जैसे कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम आपको इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है, सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत ज्यादा है और फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं, और जैसे भी नोट्स चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, तो नोट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, किसी परमाणु के दो या दो से अधिक असमान ऑर्बिटल उतनी ही संख्या में समान ऑर्बिटल बनाने की प्रक्रिया को संक्रमण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आप बहुत अच्छी परिभाषा है, आप याद कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए, किसी परमाणु के दो या दो से अधिक असमान ऑर्बिटल उतनी ही संख्या में समान ऑर्बिटल बनाने की प्रक्रिया को संक्रमण कहते हैं। अब संक्रमण के टाइप आ जाते हैं कि संक्रमण कितने प्रकार के होते हैं। तो संक्रमण की बात करें, एसपी संक्रमण, एसपी टू संक्रमण, एसपी थ्री संक्रमण, एसपी थ्री डी संक्रमण, एसपी थ्री टू संक्रमण, एसपी थ्री संक्रमण। अभी छह सात प्रकार के आपके संक्रमण होते हैं, तो देख लेते हैं पहले। अब संकरण के गुण आ जाते हैं कि गुण क्या होंगे, संकरण के गुण मतलब हाइब्रिडाइजेशन के गुण क्या होंगे, प्रॉपर्टीज क्या होगी। देखिए, मैं नंबर एक तीन प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट में। देखिए, यहाँ बात करनी है, संकृत कक्ष होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल होते हैं, उनकी समान ऊर्जा समान आकार के होते हैं, और संकृत केवल या हाइब्रिडाइजेशन केवल संयोजक कक्षा में होता है, और संकृत कक्ष में इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसपी संकरण क्या होता है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। तो हमारी वीडियो को अच्छी लगे लाइक एंड शेयर करें, जो पहली बार चैनल देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर करें, सभी प्यारे दोस्त सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, एसपी संकरण कैसे कहते हैं, एसपी संकरण में क्या होता है, इसमें संकृत कक्ष दो होते हैं और आकार दो, मतलब संकृत कक्ष होंगे दो होंगे, एक एस होगा एक पी होगा, और रेखीय और बंद में 180 अंश का कोण बनता है इसमें। ठीक है, और इसमें एक एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल संयुक्त बनते हैं, और जिसमें एग्जाम्पल की बात करें C2H2 होगा। ठीक है, और यहां आपको H सिंगल बॉन्ड, देखिए H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H होगा। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं sp2 संकरण को इसी प्रकार से देख सकते हैं आप सिंपली। ठीक है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ sp3 संकरण। देखिए, यहां आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, सबसे बिंदास चीज बता रहा हूँ कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और कहीं भी कैफे पे जाकर निकलवा लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सभी प्यारे दोस्त लाइव एंड सब्सक्राइब करें, पहली बार जो चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मैं आपको बहुत जल्दी आपको नोट्स तो सारे प्रोवाइड करा चुके हैं, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें वो भी बहुत जल्दी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो अच्छी लगी वीडियो लाइक एंड शेयर।